तो भाई फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाज़ा हम सभी को पहले से ही था कि भाई अगर आप इस साल बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े कलाकारों की आने वाली फिल्मों को लेकर अगर उम्मीदें लगाकर बैठे हो ना, तो भाई आप समझ लो कि भैया उन कलाकारों ने आपके उम्मीदों पर पानी फेरने का मन पूरी तरह से पहले से ही बना कर रखा है। और भाई ये भूमिका भले आज बांधी जा रही हो, लेकिन इसका ताना बाना तो पहले से ही बुना जा चुका था। अब देखिए, इस साल ना तो शाहरुख खान की कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ना ही सलमान खान की कोई फिल्म सिनेमाघरों में इस साल रिलीज हुई है। इस साल आप शाहरुख खान की आवाज़ को भैया मुफासा द लायन किंग के माध्यम से सुन सकते हो, लेकिन आप उनके चेहरे को किसी फिल्म में नहीं देख सकते हो। हाँ, सलमान खान का कैमियो वाला अवतार आपको कुछ फिल्मों में देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर अपडेट्स बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आ जाएंगे, लेकिन उनकी भी कोई फिल्म इस साल सिनेमाघरों में नहीं होगी रिलीज। तो भाई दो खान तो इस साल से बाहर हो चुके थे, लेकिन तीसरे खान को लेकर यानी कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट खान आमिर खान को लेकर ये बात कही जा रही थी कि नहीं, वो इस साल दर्शकों को निराश नहीं करेंगे, वो अपनी फिल्म यानी कि सितारे जमी को सिनेमाघरों में इसी साल दिसंबर के महीने में क्रिसमस के मौके पर लेकर आएंगे। लेकिन जब ये जानकारियां हम लोग के सामने आने लगी थी कि भाई कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में दिसंबर के महीने में ही सिनेमाघरों में रिलीज होंगी, और भाई एक फिल्म तो उसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म होगी जो कि भाई उनके इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो भैया इन दोनों फिल्मों में से तो किसी एक फिल्म को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और फाइनली भाई ये बुरी खबर हम लोग के सामने आ गई कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया जैसे ही पुष्पा के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई थी कि भैया ये फिल्म अब दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी 6 दिसंबर को, तो भैया उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई सितारे जमी पर जो है वो इस साल सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। लेकिन एक थॉट दिमाग में आ रहा था कि भैया इन दोनों फिल्मों के बीच में जो दिनों का गैप है ना, वो लगभग लगभग 14 दिनों का है, यानी कि भैया सितारे जमी को 20 दिसंबर को रिलीज होना है और इस फिल्म को 6 दिसंबर को। तो भाई इतना गैप तो एक फिल्म नई फिल्म को आने के लिए काफ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय भैया सितारे जमी के मेकरों को इस बात पर होगा कि भाई अगर पुष्पा का हाइप बना रहता है सिनेमाघरों में, तो भाई क्या उस हाइप को उनकी ये फिल्म क्रॉस कर पाएगी, क्या इस फिल्म को उतना स्पेस मिल पाएगा। जब तक वो ये बातें सोच रहे थे कि तभी भैया हॉलीवुड की आने वाली इस फिल्म यानी ये भाई मुफासा द लायन किंग को लेकर ये बात क्लियर कर दी गई कि ये फिल्म भाई क्रिसमस के ही शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो भैया उसी के साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि भाई किंग खान के दीवाने भले ही किंग खान को इस साल सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो किंग फैमिली को सुनना चाहेगी सिनेमाघरों में जाकर इस दिन, क्योंकि भैया मुफासा द लायन किंग को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनके दोनों सपूत यानी कि आर्यन और उनके छोटे बेटे भी अपना वॉइस ओवर देते नजर आएंगे, यानी कि भैया शाहरुख खान का जब पूरा कुनबा इस फिल्म में होगा तो भैया कहीं ना कहीं मुकाबला भारी होगा ना, और इसी मुकाबले से खुद को बचाने के लिए सितारे जमी पर जो है वो आगे जाने का मन बना लिए। और ये बहाना जो कि हमेशा लोगों के बीच में फेंका जाता है कि भैया अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम इस फिल्म का काफ़ी बचा हुआ है और ये फिल्म सही टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसी वजह से हम इस फिल्म को आगे ले जा रहे हैं, यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म 3 से 4 महीने अब आगे जाएगी, यानी कि भैया आप इस फिल्म को 2025 के शुरुआत में भी नहीं देख पाओगे और ना ही इस साल के अंत अंत में देख पाओगे, क्योंकि भैया इससे एक हफ्ते बाद ही वरुण धवन की फिल्म भैया वो क्या नाम है उस फिल्म का यार, बेबी जॉन, हाँ बेबी जॉन आने वाली है, जो कि भैया जियो इंटरटेनमेंट की ही फिल्म है मेरे भाई। तो आमिर खान भी इस साल गच्चा दे रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई है, यानी कि भैया ये फिल्म भी इस साल सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी।
तो थोड़ी सी मायूसी हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन चलिए अगला साल जो है वो खानों से भरा रहेगा। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भी अगले साल तीनों खाने की फिल्में जो हैं वो सिनेमाघरों में रिलीज होगी, अगर किंग तैयार हो जाता है तो। क्योंकि भैया किंग को लेकर तो बात क्लियर कर दी गई है कि ये फिल्म अगले साल तो सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को